गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आप लोगों का चरण चौधरी आपके हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। अपनी जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी वो अपन ने एक परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया है और आज जो अपनी सीरीज है वो है सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट के मैंने दो वीडियो अब तक डाले हैं, आज अपना यहाँ पर तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो से मैं आपके क्वेश्चंस क्या कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। अब बात सुनिएगा ध्यान से, मैं अब आपको इस तरीके से PDF में लेके चलूंगा, ये PDF में क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। और अगर ये PDF किसी को चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए और अपन इन क्वेश्चनों को अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए देखते, तो चलिए दोस्तों अब अपन शुरू करते हैं अपने सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को। और पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा मेरे साथ साथ आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपसे यहाँ कहा गया है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगने वाला जो आपका साधारण ब्याज है वो मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो आपको मूलधन और SI दोनों क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। चलिए दोस्तों अपन इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दो तरीके से सिखाने वाला हूँ, जिसको जो तरीका पसंद आए आप उसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका तरीका है वो बेसिक तरीका है बिल्कुल, और आप बेसिक तरीके से कैसे करेंगे जरा ध्यान दो एक बार। आप मुझे बताओ, मैंने लिखा कि साधारण जो ब्याज है मूलधन से क्या है, कम है। क्या मैं मूलधन में से अगर साधारण ब्याज को माइनस करूं तो क्या मेरे को यहां पर 3500 रुपए मिलेंगे क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मिलेंगे। अब आप मुझे बताओ, चलो प्रिंसिपल को तो छोड़ो, लेकिन आप बताओ साधारण ब्याज निकालने के लिए प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम और बटे में जरा बताओ क्या 100 आएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। और बराबर में अपने पास आ जाएगा यहाँ पर कितना, तो अपन लिख सकते हैं कितना आएगा बराबर में 3500। क्लियर है क्या? अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पी को कोमन ले लूँ तो यहाँ पर अपने पास बन जाएगा कितना, तो 1 - R × T। R कितना है सर, 12.5 है, और T अपना कितना है तो सर 3 साल है, और भाग आप कितने का दे दीजिए तो सर 100 का दे दीजिए, और बराबर में आपको क्या मिलेगा, 3500 मिलेगा। क्या समझ पाए मेरी बात को? देखो मैं वापस बताता हूँ आपको, मैंने कहा कि जो साधारण ब्याज है मूलधन से 3500 कम है, मतलब अगर मूलधन में से साधारण ब्याज को घटाएंगे कितना प्राप्त होगा आपको, 3500। अब सर मूलधन तो मूलधन ही है, लेकिन साधारण ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ, आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ से पी को कॉमन ले लें तो यहाँ से तो 1 बच गया, यहाँ से R × T बटे कितना बच गया, 100 बच गया। क्या यही बात क्लियर है क्या? चलिए अब आप मुझे बताइए, क्या P और यहाँ पर अपन देखें तो 1 - यहाँ बन जाएगा 37.5 और बटे में कितना बन जाएगा, 100। और आप मुझे बताओ, क्या बराबर में 3500 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। और आप मुझे बताओ, क्या मैं अगर देखूं तो इसको काटने पर 3/8 मिलेगा क्या? आप सोल्व करके देखना आपको कितना मिलेगा, 3/8 मिलेगा, मतलब 8 में से 8 एकम 8, 8 में से 3 को माइनस किया तो क्या यहाँ पर P × 5/8 और बराबर में हो जाएगा अपने पास कितना, तो सर 3500। बोलो यस और नो? यस। तो बताइए 5 से 3500 कटा कितनी बार, तो ये कट गया, सॉरी ये कट गया आपके पास कितनी बार, तो ये आपका कट गया 700 बार। और आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो 8 × 7 = 8×7 = 5600, क्या ये मेरा आंसर हो गया क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आंसर हो गया। लेकिन ये तरीका कौन सा है? ये सर तरीका बेसिक है। अब इस तरीके से अगर मैं क्वेश्चन करूं तो क्या मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा क्या? सर यहाँ से भी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, बस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इस तरीके से भी फटाफट कर सकते। लेकिन आप लोगों का कॉम्पिटिशन एग्जाम है, इस चक्कर में मुझे इस क्वेश्चन का थोड़ा
आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा। देखो मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको कि कोई शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ आप ऐसे करिए, नहीं नहीं मैं आपको थोड़ा इसका डायरेक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ना सिखाता हूँ। चलिए सबसे पहली बात आप सिंपल सा सोचो कि सर 12.5% कितने वर्ष का है, तो ये एक वर्ष का है। अपने को कितने साल का चाहिए, सर 3 साल का चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पर सीधा सीधा ब्याज बराबर लिख सकता हूँ 12.5 गुना में 3, क्या 37.5 लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। और जरा मुझे बताओ इस परसेंटेज का आखिरकार भिन्न क्या 3/8 होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। मतलब सर ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मूलधन हो गया और ये आप लोगों का साधारण ब्याज हो गया। अंतर कितने का आया सर? अंतर आया अपने पास कितने का? तो अंतर आ गया आपके पास 5x का। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितने का दे रखा है सर? 3500 का। मतलब x का मान यहां से 700, तो बताओ मूलधन आपका हो गया 8756 और आपका साधारण ब्याज हो गया 7×3=2100। ये आपका क्या हो गया? थोड़ा डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट करने का मतलब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी मेथड से कर लिया। और ये बात आप मुझे बताओगे क्या ये मैंने यहां पर आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना बताया था या नहीं बताया था? और मैंने उस टाइम भी कहा था कि आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके परसेंटेज हुआ, CI हुआ, SI हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, इन सब में आपको यूजफुल होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए, क्या समझ में आया सबको? मैं एक बार वापस से ये तरीका बता देता हूँ। देखो आप सिंपल सा सोचना, आपकी रेट कितनी है यहाँ पर 12.5। सर कितने साल की है? सर 1 साल की। मुझे ब्याज कितने का चाहिए? सर 3 साल का चाहिए। जब 1 का 12.5 तो 3 का निकालने के लिए 12.5 × 3, मतलब आपका जो ब्याज यहाँ लगेगा वो 37.5% लग गया, जिसको मैं लिखता हूँ 3/8, मतलब 8 आपका मूलधन तो 3 आपका साधारण ब्याज, अंतर 5x का। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितने का है? 3500 का। मतलब x का मान आया 700, तो आपका मूलधन हो गया 5600 और आपका यहाँ साधारण ब्याज हो गया 2100। बोलो यस और नो। चलिए अब अपन इससे आगे एक और इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये आप लोगों का आता है अगला क्वेश्चन। अब आप ध्यान से इस क्वेश्चन को जरा समझेंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर दे दिया मैंने। देखो मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में कि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगने वाला जो SI है वो मूलधन से 4400 रुपये क्या है? कम है। अब यहाँ पर ब्याज की दर कितनी है? तो सर ब्याज की दर 6/2/3% है। तो मूलधन और क्या निकालो? साधारण ब्याज निकालो। अब बताओ मैं दोनों तरीके से एक बार करके बता सकता हूँ, लेकिन अपना जो सेकंड मेथड था वो थोड़ा आसान पड़ता है, इसलिए अपन उससे एक बार करते हैं। मुझे बताओ आपको दर कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे सर दर हो गई 20/3%। बोलो यस और नो। आप कहेंगे सर बिल्कुल। ये कितने साल की दर है? तो सर ये 1 साल की दर है। मुझे कितने साल की चाहिए? 4 की। तो क्या मैं सीधा सीधा यहां पर ब्याज लिख सकता हूं? आप देखो दर का मतलब सिंपल सा समझा करो कि इतना परसेंट ब्याज जाएगा 1 साल का। जब 1 साल का ब्याज इतना, तो 4 साल के लिए क्या इसको 20/80/3% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल। और आप मुझे बताओ अगर ये परसेंटेज हटाना है, भिन्न में लेके आना है, तो क्या अपन इसको यहाँ पर गुणा कर दें 1/100 से? और जरा सोच के बताओ ये हो गया कितना 4 और ये हो गया कितना अपने पास में 5, तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास कितना बना? तो यहाँ पर अपने पास बन गया 4/15। मतलब
कि ये आप लोगों का मूलधन हो गया तो ये आप लोगों का ब्याज हो गया, तो मुझे बताओ दोनों में अंतर क्या 11x का है और क्वेश्चन में अंतर आप लोगों को 4400 का दे रखा है, तो क्या x का मान यहाँ पर अपने पास 100 आ गया क्या? आप कहें सॉरी 100 नहीं 400 आ गया क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया, क्लियर है। अब आपसे अगर मूलधन पूछा है तो 15 × 60 आंसर कितना बनेगा 6000। अगर आपसे ब्याज पूछा है तो 4 × 16 कितना बनेगा 1600। क्या मेरी बात सबके समझ में आ गई? देखिए मैंने पिछला क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से बताया और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको इसी तरीके से बता दिया। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ें एक बार, याद नहीं करें पढ़ें एक बार, और फिर पढ़ने के बाद सोचें इसको कि मैंने इसको कैसे किया, क्लियर है या नहीं। आप सिंपल सा ये बात ध्यान रखा करो कि जो आप लोगों की रेट है वो रेट आपके एक साल का क्या होती है? ब्याज। लेकिन आप याद रखना ये रेट एक साल का ब्याज कब होती है? जब ये क्या हो? ईयरली हो। अगर अपन कहें कि रेट हाफ ईयरली है मतलब वो 1/2 साल का क्या है? ब्याज है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, इस बात को आप अच्छे से क्या रखिएगा? याद रखिएगा। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या आता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ें, ये मैंने थोड़ा चेंज किया है क्वेश्चन को, आप लोग थोड़ा सा इसको समझना। देखिए ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को जरा आप ध्यान से देखो। उम्मीद करता हूँ पहले दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट बुक है जिससे आप पढ़ते हो या जो भी कोई बुक है, अगर उस बुक में इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो आप सारे करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है देन आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपका उसका रिप्लाई दूंगा, क्लियर है या नहीं है। तो चलिए अब अपना आता है क्वेश्चन नंबर 3 और अपन क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट से सॉल्व करते हैं। सब लोग ध्यान दो कि देखो अपने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए 3 में आपको दे रखा है कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज यहाँ पर 7% और अगले 7 वर्ष के लिए 7.5%। तो एक आदमी 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश करता है तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्या याद करो? साधारण ब्याज। अब इस बात को आप ध्यान से समझिएगा एक बार और सीखिएगा, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं आप जरा समझना एक बार। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब उठता है कि यहां पर आप सबसे पहले टाइम को देखेंगे। किसको देखेंगे? टाइम। अब सर देखो यहाँ टोटल कितने वर्ष की बात कर रहा है? वो 11 वर्ष की। तो ध्यान देना 11 साल की बात कर रहा है। इन 11 वर्षों में कितने कितने साल का पेयर बनाया उसने? पहले 3 साल का बनाया, देखो 3 वर्ष का बनाया। आगे उसने कितने का बनाया? आगे उसने 4 का बनाया। और उसके बाद लिखा और 7 वर्ष से आगे, कितना साल बीत चुका है? 4 और 3 7। 7 से आगे जो दर है वो कितनी है? 7.5। मतलब टोटल 11 जिसमें से 7 बीत गए, कितने वर्ष बचे? 5 वर्ष बचे। बोलो यस और नो। चलो अब आप बताते जाओ जैसा जैसा मैं आपसे पूछता जाऊं। देखिए आप बताइए इन 3 सालों में रेट क्या थी? तो सर 6%। यहां पर 4 वर्षों में रेट क्या थी? तो सर 7%। इन 5 वर्षों तक रेट क्या थी? तो सर 7.5%। क्या क्लियर है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। आप सोच के बताओ एक साल की 6 तो 3 साल की कितना? 18%। जब एक साल की 7 तो 4 साल की कितना? 28%। जब अपने पास एक साल की 7.5 तो 5 साल की कितनी होगी? तो ये हो जाएगी अपने पास 37.5%। बोलो यस और नो। आप कहेंगे सर बिल्कुल। क्या क्लियर समझ में आ रहा है क्या? ठीक है अब बताओ
टोटल अगर 11 सालों की रेट मैं आपसे पूछूं तो क्या तीनों को जोड़ दें क्या? आप कहेंगे जोड़ दो, बताइए ये कितना बन जाएगा अपने पास में? तो ये अपने पास 46 बन गया, 46 प्लस 37.5, तो देखो यहाँ पर आपका है 18 है, अपना 28 है, अपना 37.5 है, आप टोटल बताओ 5 आ गया, 8, 16, 16 और 7 अपने पास कितना हो गया? 23 हो गया, तो 2 और यहाँ पर अपना कितना 6, 2, 8, टोटल यहाँ पर कितना लग गया? तो टोटल यहाँ पर 83 पॉइंट कितना आ गया अपने पास में? तो सर 83.5%, ये आप लोगों का क्या लग गया? ब्याज लग गया। बोलो यस और नो, आप कहेंगे सर बिल्कुल लग गया। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अब देखो उसने आपको 18,800 रुपए क्या दिया है? मूलधन दिया है। तो आप इस 18,800 को बराबर रखेंगे कितने परसेंट के? 100% के, और 1% का मान आएगा कितना? 188। और आप बताओ आपका ब्याज कितना है? 83.5, तो आप इसका गुणा कर दीजिए कितने से? 188 से, और गुणा करने पर जो भी कुछ आपको मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। क्या मेरी बात समझ पाए क्या? अब देखो सर ये क्वेश्चन को समझाओ एक बार दोबारा से। क्यों समझाएं दोबारा से? क्योंकि सर इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक बार दोबारा समझने की जरूरत। तो चलिए मैं इसी क्वेश्चन को एक बार वापस से रिपीट करता हूं। आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कहे पहले 3 वर्ष रेट इतनी, दूसरे इतनी, फिर उसके बाद इतनी, जब भी ये अलग अलग रेट अलग अलग समय के लिए देगा, आप सिंपल सा ध्यान देंगे कि सर टोटल समय कितना है? टोटल समय 11 साल है। पहले 3 साल रेट कितनी? 6। तो पहले 3 साल रेट हो गई कितनी? 6%। आगे जोड़ो, आगे कितने वर्ष? 4 वर्ष रेट कितनी है आपकी यहां पर? तो 4 वर्ष तक 7%। उसके बाद 7 वर्ष से आगे देखो, 3 और 4, 3 और 4, 7 वर्ष बीत गए, टोटल 11 वर्ष थे, कितने वर्ष बच गए? 5। और इन 5 सालों में जो रेट बच गई वो 7.5 बच गई। बोलो यस और नो, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप बताइए ये जो आपने निकाला क्या ये आप लोगों का कुल ब्याज आ गया क्या? तो याद रखें ये आपका क्या आ गया? कुल ब्याज आ गया। बोलो यस और नो, ठीक है। अब ध्यान दो एक बार बिल्कुल केयरफुली, जरा बताओ कुल ब्याज कितना आ गया? 18, 28, 37.5, तीनों को जोड़ोगे तो ये आपका 83.5% क्या आ गया आप लोगों का? ये आप लोगों का कुल ब्याज आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब आपको देखो दे क्या रखा है, आपको यहां 18,800 ये मूलधन दे रखा है। ये क्या दे रखा है? मूलधन। अगर मूलधन दे रखा है तो आप सिंपल सा समझो, आपको 100% का मान दिया है और किसके बराबर है? 18,800 के। तो 1% का मान यहां आपका बन जाएगा कितना? 188। क्लियर? अगर मूलधन है तो 100% के बराबर, अगर ब्याज देगा तो 83.5 के बराबर, अगर मिश्रधन देगा तो 100 + 83 183.5 के बराबर, जो देगा वो उसी के बराबर लिखना है। क्लियर है या नहीं? आप कहेंगे क्लियर है। चलिए अब बताइए, जब 1% 188 तो कुल ब्याज पूछा है, क्या पूछा है? साधारण ब्याज पूछा है, तो क्या इसको मैं 83.5 का गुना 188 से करूं तो क्या सर मेरे पास आंसर आएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। समझ आया? अभी चलिए मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आता हूं, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, दो बार समझा दिया आ गया होगा समझ में। एक बार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर अब आपका आता है 4, और देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने।
चलो इस चार नंबर क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं, आप ध्यान दो। देखो आप सिंपल सी बात सोचो सर, पहले दो वर्ष 4%, अगले चार वर्ष 6% और इसके बाद के समय के लिए 9%, और एक व्यक्ति कितने वर्षों में, तो 9 वर्षों में। बताओ पहले 2 साल रेट कितनी थी सर, 4%, अगले 4 साल रेट कितनी थी सर, 6%। 2 और 4 6 वर्ष बीत गए तो सर 3 सालों तक रेट क्या था, 9 थे टोटल, तो 2 और 4 6 और 3 9, 9 मतलब जो बच गए 3 साल उनमें रेट क्या थी, 9%। और अगर तीनों को जोड़े तो देखो 8 24 24 8 32 32 प्लस 27 32 और प्लस में आ गया कितना 27, क्या टोटल मेरे को यहां पर जो परसेंट मिलेगा 32 प्लस 27% टोटल कितना हो गया, तो अपन कहेंगे 59%। और क्या ये आपका कुल ब्याज हो गया क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये हमारा क्या हो गया, कुल ब्याज हो गया। बोलो यस और नो। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन, 9 वर्षों में कुल 1120 रुपए का क्या प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। अब आपको क्वेश्चन में ब्याज दे रखा है, तो आप इस 1120 रुपए के ब्याज को किसके बराबर रखेंगे, तो आप इसको 59 के बराबर रखेंगे। बोलो यस और नो। आप कहेंगे बिल्कुल। एक बार देखो मैं वापस आपको समझा देता हूं, वापस से आप ध्यान दीजिए और एक बार समझ। देखिए पहले 2 वर्षों के लिए 4%, तो अपना हो गया 2 गुना 4, अगले 4 के लिए 6%, तो 4 गुना 6, और यहां पर हो गया इसके बाद के समय के लिए दर कितनी, 9। टोटल कितना समय दिया है, 9 वर्ष का। बताओ दोस्त 2 वर्ष यहां आ गया, 4 वर्ष मतलब 6 वर्ष बचे कितने, 3 वर्ष, तो 3 वर्षों में 9 की दर से टोटल ब्याज कितना लग गया आपका, 59%, और जो कि बराबर है कितने के, 1120 के। और बताइए क्या यहां से मैं 1% बराबर 1120 बटे 59 लिख सकता हूं क्या। आप कहेंगे बिल्कुल। आपसे पूछा क्या है, मूलधन, और मुझे समझाओ क्या मूलधन हमेशा 100% के बराबर, तो 100 का गुना 1120 बटे 59 लिखोगे और सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा क्या, अरे आएगा कि नहीं आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। और देखो ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है ना, ये आपको करनी, ये मैं क्यों छोड़ रहा हूँ इनको करना, क्योंकि सर जब आप इनके प्रैक्टिस करोगे तो ये आपसे ज़्यादा जल्दी सॉल्व होंगे। इनकी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी आप कीजिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये समझ में आए। क्लियर है कि नहीं। आप सॉल्व करके देखिएगा आपका क्या आएगा मूलधन। मैं एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, आप ध्यान दो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है। देखो मैंने लिखा है एक व्यक्ति पहले 6 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10%, पहले 6 साल के लिए 10%, आगे कह रहा है प्लस, आगे लिखा है अगले 4 के लिए ब्याज की दर 15%, प्लस आगे कह रहा है इसके बाद के समय के लिए 20%, और टोटल कितना समय दे रखा है, 15 वर्ष। देखो 6 और 4 10 साल तो बीत गए, बचे कितने, 5 साल, और रेट कितनी बता रहा है, 20%। अब आप बताओ क्या ये आपका कुल ब्याज आ गया क्या। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया। जरा जोड़ के बताओ, 60 प्लस 60 प्लस में कितना, 100, क्या टोटल अपने पास 220% हो गया कि नहीं हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, 15 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, तो उसने कहा 10,000 रुपए अधिक है। अब कुल ब्याज तो ये हो गया, और सर मैंने मूलधन कितना मानने को कह रखा है आपको, तो सर मूलधन आपने मानने को कह रखा है 100%। बोलो यस और नो। आप कहेंगे बिल्कुल। और आप मुझे बताओ यहां पर
आपको दोनों में क्या दे रखा है, दोनों में अंतर दे रखा है, तो अंतर इनमें कितने का है? अंतर 120% का है। तो आप बताओ क्या 120% अपन बराबर रख सकते हैं 10,000 के? अरे हाँ या ना। और 1% का मान पूछूं तो क्या 10,000 के बटे में 120 आएगा या नहीं आएगा? आप कहेंगे आएगा। अब वो कह रहा है कि तो बताओ 15 वर्ष पश्चात वह धनराशि कितनी होगी। अब देखो अपने से धनराशि पूछ रहा है कितनी हो गई, भाई टोटल धनराशि पूछी है। और आप याद रखें जब भी आपसे टोटल पूछे मतलब वो मिश्र धन पूछना चाह रहा है, और मिश्र धन आपका टोटल कितना होना चाहिए? 320%। 1% का मान ये रहा तो 320 का गुना कर दीजिए 10,000 के बटे में कितना आएगा 120। सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? क्या आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। क्लियर है या नहीं? चलिए ये क्वेश्चन भी आपको देखो यहां याद रखना, जो चीज आपको क्वेश्चन में दी है आप उसको उसके बराबर रखो, जो चीज पूछी है उसको आप फटाफट से निकाल दो, बस आपको इतना ही करना है। बाकी सब तो मैं पढ़ते पढ़ते लिख लूंगा। अब चलिए मैं एक बार वापस से आपको समझाता हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मे बी शायद ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक और क्वेश्चन को देखिए इसी टाइप का, और जरा एक बार समझिए क्या दे रखा है। कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी धनराशि पहले 3 वर्ष मतलब पहले 3 साल तक दर कितनी है? 4% प्लस। उसके बाद कहा अगले 5 वर्ष कितनी? 7। तो 5 साल के लिए है इसकी 7%। और कह रहा है अगले सभी वर्षों के लिए ब्याज की दर 10%। अब आप बताओ आपको समय कितना दे रखा है? 12 वर्ष। सर यहां 3 यहां 5, 8 साल तो बीत गए, कितने साल बचे? सर 8 के बाद तो 4 ही बचे। तो इन 4 वर्षों में ब्याज की दर कितनी होगी? 10%। बोलो यस और नो। आप कहेंगे यस। तो अब आप मुझे बताओ यहां पर जो आपका कुल ब्याज है, क्या कुल ब्याज अपना कितना? तो 4 × 3 = 12, 7 × 5 = 35, 12 × 35 = 47, और 40 यहां से, क्या कुल ब्याज 87x मिला? क्या आप कहेंगे बिल्कुल मिला। आगे बताओ आखिर 12 वर्ष बाद उसे कुल 93,500 रुपए प्राप्त हुए। अब एक बात जरा सोच के देखो, 93,500 रुपए प्राप्त हुए, क्या ये उसका मिश्र धन है? क्या हाँ बिल्कुल है। तो इसको आप मिश्र धन के बराबर रखें। कुल ब्याज ये हो गया, मूलधन मैं बताता हूं कितना 100x। तो अब आप बताओ क्या मिश्र धन जो आपका है वो यहां पर टोटल 187x होना चाहिए क्या? और इसके बराबर आप रख देंगे कितना? 935,000। यस और नो? आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, 935,000। और अगर काट के देखेंगे तो x का मान आपको यहां से कितना मिलेगा? 500 मिलेगा। यस और नो? या तो आप x का मान निकाल लेना या परसेंटेज निकाल लेना, बात एक ही है। अब आपसे क्या पूछा है? मूलधन पूछा है, तो मूलधन यही निकाल देता हूं मैं। x का मान रखूंगा कितना आएगा? 50,000। आएगा नहीं आएगा? यहां रखेंगे कितना आएगा? 0, 0, 7, 5, 35 कितना आया? 3, 8 × 5 = 40, 40 × 3 कितना हो गया? 43। तो ये आपका क्या आ गया? कुल ब्याज आ गया। बोलो यस और नो, समझ आया? ये वही क्वेश्चन था, उसी टाइप का क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। आप इन दोनों टाइपों को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। बाकी मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगा। थैंक यू सो मच, आज आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। चलिए बाकी कल मिलते हैं, और प्रेम से बोलते रहिए, राधे राधे।